अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिद मुश्ताक और मैं आज इलेक्शन के वाले से एक वीडियो लेके आया हूँ और आई होप आपको पसंद आएगी। देखते हैं कि यहाँ दुबई में मैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स में हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि पीटीआई के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं या नून लीग के या पीपीपी के या जो भी दूसरी पार्टीज़ हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान से? जी। आप? मैं नेपाल से। नेपाल से, सही है। चलें आपका भी व्यूज़ हम ले लेते हैं, पहले आपसे बात करते हैं। आपका नाम? फजल रब्बी। आपको पता होगा इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। 25 तारीख को। जी। किसको सपोर्ट करें? हमारा तो इंशाल्लाह इस बार इमरान खान है। अरे वाह, खुश किया आपने। तो आप इमरान खान सब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बस यार, ये तीन बार तो ये लोग आ चुके हैं, लेकिन काम किए भी हैं, कुछ अधूरे भी हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि नया चेहरा आजमा लें। सही है। नून लीग वाले जो सपोर्टर्स हैं ना, वो कहते हैं कुछ खाता है तो लगाता भी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब कुछ खाता है लगाता भी है, लेकिन वो एक तरफ देखा जाए तो पंजाब तक ही है, इधर तो मतलब पूरा पाकिस्तान। पंजाब तक नहीं, लाहौर तक है। वही लाहौर तक ही देख लो, जैसे लाहौर का इधर उधर का इलाके, और तो सारे इलाके अपना सिंध साइड देख लो या खैबर पख्तूनख्वा साइड देख लो, वो तो सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं ना। थैंक यू सो मच। आप इमरान खान साहब के लिए कुछ पैगाम देना चाहें? इमरान खान के साहब के लिए अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी उनको बोलें करप्शन नहीं करनी, इंशाल्लाह उसी चीज़ से तो वो पाक है। आज तक उसके जो है ना कुछ असासा ऐसा कुछ निकला नहीं है करप्शन से, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल पाक है। जी कैसे हैं भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका नाम? मेरा मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल जी, माशाल्लाह मैंने फर्स्ट नेपाली देखा है जो मुस्लिम है। नहीं, नेपाल में भी है मुस्लिम, मैंने देखा, कम तादाद में। जी जी। अच्छा, तो आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में? हाँ जी पता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अभी देखिए, उधर का जो है उतना तो हमको पता नहीं रहता, फिर भी अभी जोरों शोर से हम फेसबुक वगैरह इधर उधर देखते हैं, तो जो आपका ये पीटीआई क्या है, जी 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 जी, इसको देखते हैं। सही है। और मुझे भी लगता है कि कोई नया चेहरा को मौका देना चाहिए। तो पीटीआई का नारा आपको आता है? नहीं, वो तो नहीं आता। मैं बोलता हूँ, आप भी आइए और पीटीआई का नारा एक दफ़ा मिलके लगाते हैं। आई आई PTI, आई आई PTI, जी PTI जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी। मेरा कहाँ से हैं पाकिस्तान में? मैं जिला नारोवाल से। तो आप किसको वोट कर रहे हैं? और ये सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को कर रहे हैं, और इसको चांस मिलना चाहिए, इमरान खान को एक चांस मिलना चाहिए। आप नवाज शरीफ को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? नवाज शरीफ को सपोर्ट क्या करेगा वो, उसको सारा को मालूम है क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, जो सारा दुनिया देख रही है, उसको जेल भी उसको हुई है, तो इंशाल्लाह। और पहले 35 साल से नवाज शरीफ को वोट डाला है, तो अभी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट डालेगा, उसको मैं चांस मिलेगा, उसको चांस भी देना चाहिए उसको, सब आदमियों को, जितना भाई पाकिस्तान का और अब जोश भरोसे के साथ चला, इमरान खान को इंशाल्लाह वोट देगा अभी। आप इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? इमरान खान को पैगाम क्या देना चाहेंगे, इंशाल्लाह इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, सही आदमी है, तो इंशाल्लाह उसको और हम उसका वोट भी देंगे, उसका इंशाल्लाह सपोर्ट भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਮੁਬਸ਼ਰ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਕਰਾਚੀ ਸੇ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਕਰੇਂਗੇ? नहीं, आप क्यों? नहीं नहीं, मतलब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट पीटीआई। वाह जी वाह, पीटीआई। मैंने जितने बंदों से अभी तक पूछा सब पीटीआई वाले हैं। क्या? तो इसका मतलब है इंशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई फिर जीतेगी इंशाल्लाह। इमरान खान वज़ीर आज़म इंशाल्लाह जी। तो आप इमरान खान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कैमरे की तरफ देख के? दे इमरान खान के लिए जी, बस जैसे दूसरे चोर हैं ऐसे चोरी नहीं करे, जब तक चोरी नहीं करेगा तो हम लोग साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? अदनान। तो आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी, 25 को हो रहे हैं। जी जी, 25 को हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगा। अरे वाह, क्या वजह है? बस पीटीआई का मंशूर अच्छा है और खान साहब भी अच्छा आदमी है, करप्ट नहीं है, और हमारा KPK में बहुत काम भी किया। और सबसे बड़ी बात है वो करप्ट नहीं है। बिल्कुल करप्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे अगर उन पे कोई करप्शन का मतलब साबित हो जाता तो आप क्या करेंगे?
वो करप्ट है ही नहीं तो कैसे साबित होगा। सही है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है? नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया उसने। कोई शक नहीं। अच्छा आपको पता है हर पाकिस्तानी पे कितना कर्ज है इस वक्त? यार पूरा एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है लेकिन 1 लाख के ऊपर है। हाँ 1 लाख आई थिंक 23,000 या कुछ इतना है। बिल्कुल 1 लाख के ऊपर है इतना थोड़ा बहुत मालूम है, एग्जैक्टली मालूम नहीं तो क्योंकि हमने देना नहीं है तो पता करके क्या फायदा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपका नाम क्या? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान, आज दूसरा बंदा अदनान मिला मुझे। अच्छा आपका नाम? खानवाज जी। खानवाज, अच्छा तो इलेक्शन का आपको पता है? पता है जी। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? पीटीआई। पीटीआई जी? आप पीटीआई? बिल्कुल जी। जब पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आप क्या सोचते हैं क्या तब्दीली आएगी? मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, करप्शन कम हो जाएगी। थोड़ा वो मुल्क के लिए तो सोचेंगे ना, अपने लिए तो नहीं सोचेंगे। अच्छा तो खान साहब के लिए आप क्या कोई पैगाम देना चाहें? बस यही है कि अगर वज़ीर आज़म बन जाएँ तो मुल्क के लिए ही करें, अपने ये जो करप्शन वगैरह के ऊपर एक्शन लें। बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आप एक दफ़ा पीटीआई जिंदाबाद बोल दें। पीटीआई जिंदाबाद। पाकिस्तान पीटीआई जिंदा। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन, आप कहाँ से? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पेशावर। पेशावर से? फिर तो आप पीटीआई के ही होंगे। नहीं, हम अभी तक जिंदगी में पहली बार भी वोट नहीं डाला, अभी तक भी नहीं डाला, चांस नहीं है पूरा इधर ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन आप दिल से किसको सपोर्ट करते हैं? यार जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो 5 साल पीटीआई ने पेशावर में कैसा काम किया? यार अच्छा, बेहतर किया। सही है। तो मतलब कि आपका वो वोट जो है वो, फिर अगर आप पाकिस्तान में होते तो फिर पीटीआई के लिए होता? पीटीआई के लिए जाएंगे। सही हो गया। तो आप कहाँ से? मैं केरला हूँ, इंडिया हूँ। इंडिया से? अच्छा आपको पता है कि नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ बहुत अच्छा है पहले वो, लेकिन आज का मौसम में मेरे को ना। अच्छा, अच्छा। तो आपको पता है इमरान खान कौन है? इमरान खान अभी अच्छे सुनते हैं वो आदमी लोग, सब सुना बोला हम, इमरान खान अच्छा है। एक दफा बोल दें पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी थैंक यू सो मच। जी गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी हेल्प चाहिए मुझे, अभी स्टार्टिंग है सो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ लेके आपके पास हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।